पर मेरा प्रश्न आईजी जोधपुर से कि जिस थाने में ये घटना हुई है थोड़े दिन पहले वहाँ शाम चेरी बिल्कुल अड़तावा 2 किलोमीटर पे गांव है चेरी, वहाँ पे श्याम पालीवाल की हत्या होती है, बर्बर हत्या होती है। ग्रामीण धरने पे बैठते हैं और कुछ आरोपी पकड़े जाते हैं लेकिन मुख्य आरोपी फरार हो जाते हैं। एसएचओ उसकी तफ्तीश कर रहे हैं लेकिन आप सिंगल ऑर्डर निकालते हैं अपने किसी चहीते को प्लीज करने के लिए और हमें पता ही नहीं और हमारा एसएचओ हटा देते हैं। मुझे ये बताइए, जोधपुर पुलिस बाड़मेर में जाकर एक एनकाउंटर कर देती है, क्यों भाई, क्यों कर देती है? वो जोधपुर पुलिस के मेरे ख्याल से इनामी भी नहीं थे, इतना क्या था फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसने किया नहीं किया। व्हाट इज द आईजी डूइंग? पुलिस की सिक्योरिटी के अंदर मैं सिक्योरिटी कवर में जाती हूँ, 2 दिन से पुलिस को पता है, वीडियोस हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड हैं कि वो यूनिवर्सिटी के कौन लड़के हैं और कौन लोग हैं असामाजिक तत्व। आप एक अरेस्ट नहीं करते, अ सिंगल अरेस्ट इज नॉट मेड। डिस्पाइट दैट आईजी ट्रांसफर्स दैट फाइल आउट ऑफ जोधपुर टू सिरोही। That means you mean to say all inefficient officers बैठे हैं जोधपुर के अंदर? जोधपुर के ओसिया से जिस तरह से 4 लोगों को जिंदा जलाने की विभत्स मामला सामने आया है उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ ओसिया की विधायिका दिव्या मदेरणा है। दिव्या जी, जो मामला सामने आया है हृदय विदारक है, क्या है पूरा मामला और क्या अभी तक इसमें कोई एक्शन लिया गया है? देखिए, 4 लोगों की हत्या हुई है और निर्मम बर्बर हत्या हुई है। 2 लोग बाहर सो रहे थे, उनको मार के फिर घसीट के झोपड़ी में ले गए। झोपड़ी में एक लेडी जो उनकी पुत्र वधु है, 6 महीने की बच्ची है, उस लेडी के ऊपर भी शायद धारदार तरीके से वार किया जिससे उसकी हत्या हो गई। फिर झोपड़ी को आग लगा दी गई। जब आग लगी तो आस पड़ोस के लोगों ने देखा, बुझाने आए तो इस घटना का पता चला, पुलिस को सूचना हुई और 6:20 मेरे ख्याल से पुलिस वहां पहुंच गई। जैसी उनको सूचना हुई, पुलिस जैसी वहां पहुंची और वहां पे पहुंची तभी 6:20 पे मुझे 6:20 और 6:30 के बीच में मुझे भी सूचना हुई और उसी अंतरकाल में कलेक्टर एसपी और सबसे वार्ता भी हो गई, उनके भी फोन आ गए, हमने भी बात कर ली, सब मौके पे पहुंच गए। हर एंगल और हर पहलू से देखा जा रहा है कि आपसी रंजिश थी, क्या मामला हो सकता है, कौन हो सकता है। बहुत इंटीरियर्स के अंदर वो उनका जो घर ढानी आई हुई है वो बहुत इंटीरियर्स के अंदर आई हुई है, तो हर पहलू को देखा जा रहा है। वहां पे पूरी चाक चौबंदी से पुलिस काम कर रही है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द इसका पटाक्षेप करके कौन है उसका गिरफ्तारी कर लेगी। पर मेरा प्रश्न आईजी जोधपुर से कि जिस थाने में ये घटना हुई है थोड़े दिन पहले वहां शाम चेरी बिल्कुल अड़तावा 2 किलोमीटर पे गांव है चेरी, वहां पे श्याम पालीवाल की हत्या होती है, बर्बर हत्या होती है। ग्रामीण धरने पे बैठते हैं और कुछ आरोपी पकड़े जाते हैं लेकिन मुख्य आरोपी फरार हो जाते हैं। एसएचओ उसकी तफ्तीश कर रहे हैं लेकिन आप सिंगल ऑर्डर निकालते हैं अपने किसी चहीते को प्लीज करने के लिए और हमें पता ही नहीं और हमारा एसएचओ हटा देते हैं। आपके बाड़मेर में एक एनकाउंटर होता है, राजनीतिक साजिश की आपको बू आ रही है? नहीं, आई थिंक आरोप लगा रही है आईजी के ऊपर, पर इसके पीछे का बैकग्राउंड का कुछ नहीं कह सकती, पर उन्होंने जानबूझकर ओसिया का एसएचओ हटाया है और निश्चित रूप से ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम रेट दैट इज बीन राइजिंग इन रूरल जोधपुर एंड इन इज डिविजन। मुझे ये बताइए, जोधपुर पुलिस बाड़मेर में जाकर एक एनकाउंटर कर देती है, क्यों भाई, क्यों कर देती है? वो जोधपुर पुलिस के मेरे ख्याल से इनामी भी नहीं थे, इतना क्या था फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसने किया नहीं किया। व्हाट इज द आईजी डूइंग? मेरे पे स्वयं पे केस हुआ जो मारने का अटैक का, उसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली पुलिस ने, स्वसंज्ञान लिया। पुलिस की सिक्योरिटी के अंदर मैं सिक्योरिटी कवर में जाती हूँ, 2 दिन से पुलिस को पता है, वीडियोस हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड हैं कि वो यूनिवर्सिटी के कौन लड़के हैं और कौन लोग हैं असामाजिक तत्व। आप एक अरेस्ट नहीं करते, अ सिंगल अरेस्ट इज नॉट मेड। डिस्पाइट दैट आईजी ट्रांसफर्स दैट फाइल आउट ऑफ जोधपुर टू सिरोही। दैट मीन्स यू मीन टू से ऑल इनएफिशिएंट ऑफिसर्स बैठे हैं जोधपुर के अंदर? पॉलिटिकली आप जोधपुर से आती हैं, गृह जिला वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी है, उसके बावजूद अगर एक के बाद एक, कुछ टाइम पहले एक दलित लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया, ये मामला सामने आया जिसमें 4 लोगों को जलाकर मार दिया गया, क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में जो बीजेपी कहती है वो सही है, जो कहती है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था काफी खराब है, नहीं सहेगा राजस्थान का स्लोगन लेके आए हैं वो? नहीं, मैं ये नहीं मानती हूँ। निश्चित रूप से बीच में जो आंकड़े आ रहे थे उसके ऊपर ये था कि क्राइम के बहुत सारे उस पर नंबर 1 आ रहे थे, एनसीआरबी की रिपोर्ट्स भी थी। मैं ये मानती हूँ कि हमारी 0 FIR और FIR दर्ज करने के लिए हम बहुत लिबरल हैं और इसलिए हमारे पे ज्यादा FIRs होती हैं, बट वो सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता अपराध के आंकड़ों को दिखाने के लिए। वो आपको लगता है डू यू थिंक दैट द बक स्टॉप्स एट द चीफ मिनिस्टर्स टेबल? डू यू थिंक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी चाहिए? I think Chief Minister is making his efforts completely. I don't think I have anything to question on that. It is, he cannot implement what IG has to implement on ground. As a Home Minister, as a Chief Minister, he is reviewing meetings.
संगठित अपराध का आपका कल बिल लेकर आए हैं एंड कड़ा बिल लेकर आए हैं। आपकी जो पेपर लीक के ऊपर दोबारा आपका बिल आ गया है। सो एवरी दिन एवरी डे दैट क्राइम टेक्स प्लेस ही इज रिव्यूइंग with new crimes, new gangs, what is the new age thing that needs to be done? We are also getting legislations for that. The new DGP, after he took over, I remember Chief Minister saying in one of his speeches that this is due to FIRs with the previous DGP, Mr. Latta. But that obviously was not the sole reason, and he reviewed with the DG, and they bought a new campaign with ADG Crime, who's got a super cop image. I also briefly know the DG because he was IG Jodhpur, not much because I had not come into active politics. I just fought in Jilla Parishad election, so he was IG Jodhpur then. He was a very efficient IG. So Mr. Umesh Mishra, he was IG Jodhpur in 2008. And obviously Mr. Dinesh MM has worked in headed various police wings and verticals, and he's got a super cop image and he's very strict. They got a new campaign the moment they took over, because as when we go for elections there's a very small window that we have, and it was obviously very challenging with the figures of NCRB and what was happening. They bought this new campaign where police ki gasht hoti hai 24 ghante, badmashon ke naam pe inaam hai, aur wo puri arrest kar rahe hain, aur aap dekhiye ek suraksha ka mahol tha, kyunki 24 ghante police daudti hai. Unhone itni tracking kar rakhi hai ki wo apne mobile switch off kar lenge, kis parivar ke wahan pe aa sakte hain, kis Bikaner mein aa sakte hain, wo wahan pe bhi tha, puri khabriyon se karke chak chauban kiya tha. So efforts are being made, the government is making continuous efforts. One or two person in the one apple spoils the whole thing. Is that kind of a story? So IG is completely responsible for what's happening. आखिरी सवाल आपसे, राजस्थान में साल चुनाव होने हैं, आप ओसिया से विधायिका हैं, बीजेपी बार बार कह रही है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, उन्होंने पेपर लीक को लेके आंदोलन भी किया अजमेर से, क्या लग रहा है इस साल राजस्थान में सरकार कांग्रेस रिपीट कर पाएगी? रूप से रिपीट करेगी, क्योंकि पिछले 25 साल में ऐसा हो नहीं पाया है कांग्रेस। मुझे लगता है कांग्रेस रिपीट करेगी, कांग्रेस की अपनी योजनाएं बहुत बेहतरीन है, हर मुद्दे पर कांग्रेस ने तोड़ जवाब दिया है बीजेपी को। कोई प्रकरण हो जाता है, वी हैव नॉट बीन एबल टू स्टॉप वट एवर रीजन्स, एडवांस क्राइम हो गए या जो भी हो गया, नया तरीका लेकर आ जाते हैं क्राइम का, वो जो भी हो जाता है, आप एक को रोकते हो वो कोई और चीजें हो जाती हैं। अगर हम उसको नहीं लगे तो हम उसके लेजिस्लेशन लेकर आ रहे हैं, हम उसको कड़क करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए बुलडोजर्स भी चले हैं अवैध संपत्ति पे है और बहुत कड़क कार्रवाई हो रही है। तो ये संदेश हमारी सरकार पूरी दे रही है कि हम किसी भी सूरत हाल के अंदर कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तौर पर जोधपुर के विभत्स मामले के ऊपर अपना रुख साफ करते हुए और ये कहते हुए कि राजस्थान में कांग्रेस इस बार सत्ता में अपने आप को रिपीट कर पाएगी। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।